अरे एग्जाम फरवरी में ही होगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे वीडियो को काट पीट के लोग बना देते हैं, गुरुजी अब धीर सिंह सर ने बोला अप्रैल में हो रही है, पर धीर सिंह सर के लिए लोग इतने बड़े उत्सुक रहते हैं, धीर सिंह सर ने बोल दिया। अरे मैंने क्या कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर यदि शिक्षा विभाग अभ्यर्थना नहीं भेजता है तो जैसा कि अधीन सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि एग्जाम हम आगे करवाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, तो मैंने एक संभावना जताई है। मैंने ये नहीं कहा कि अप्रैल में एग्जाम होगी, सर ने बोल दिया मतलब अप्रैल में होगी। आप लोग कहते हो सर परमिट कर रहे हो, मैंने ऐसा बोला ही नहीं, मैंने कहा कि संभावना है यदि एक वीक में अभ्यर्थना नहीं जाती है तो आगे बढ़ने की संभावना हो जाएगी। मैंने कहा था कि यदि आगे बढ़ेगी भी तो 10-15 दिन मतलब फरवरी लास्ट में हो सकती है, मार्च का मैंने इसलिए बोला था कि भाई बोर्ड की एग्जाम होती है तो इन चीज़ों में मत ध्यान दिया करो, आप तो पढ़ाई पर ध्यान दो ना। कौन क्या बोल रहा है? तीसरा प्रश्न देखो, राहुल कह रहे हैं ना कि सेकंड ग्रेड की एग्जाम जैसे पास में आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, कुछ भी याद नहीं, ऐसा लगता है सब भूल गया हूँ। राहुल जी हमारे अंदर एग्जाम के प्रेशर की वजह से होता है और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इन चीज़ों में मत सोचिए, आप पढ़ते जाइए, जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना वो सब एग्जाम में आएंगी। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे तो वो आपकी विस्मरण को और बढ़ावा देगा, तो प्लीज़ इन चीज़ों पर मत सोचिए, आपने जो पढ़ा है वो हमेशा याद रहेगा, याद रखना ठीक है। ओके, संरचनात्मक करने का प्रयास रहेगा, कन्फर्म नहीं है कल का, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, मस्त रहना, खुश रहना, फिर से बाल दिवस की शुभकामनाएं, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना, बचपने को मरने मत देना, इस मासूमियत को खो मत देना, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है और लास्ट थीम जीत जाएंगे।